है दोस्तों, मैं हूं मुनेश फ्रॉम एक इन्फो से। अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक इन्फो चैनल को, ठीक है। चलिए हम लोग सीखते हैं। हमारे पास एक ओप्पो का फ़ोन है, इसमें फोल्डर को कैसे हम लोग रिमूव करते हैं किसी भी फ़ोन में, ओप्पो हो, वीवो हो, एमआई हो। यदि फोल्डर फूट गया हो, डिस्प्ले सही हो, टच खराब हो गया हो, तो इस कंडीशन से तो कैसे हम लोग टच को रिप्लेसमेंट करेंगे, कैसे इसको ओपन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे क्या क्या टूल का रिक्वायरमेंट होता है इसको खोलने के लिए, ठीक है। सारा चीज़ आपको इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए, ये मेरा ओप्पो का फ़ोन है, प्रॉपर ऑन है, टच भी काम कर रहा है सही से, बट इसमें क्या है, इसका ग्लास जो है, ग्लास फूटा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ग्लास भी लाए हैं, तो इस वीडियो में हम आपको ग्लास चेंज करके बताएंगे, मतलब टच को कैसे चेंज करेंगे। ये जो है फोल्डर कॉम्बो है, डिस्प्ले टच दोनों कॉम्बो है, तो इसको कैसे हम लोग कटिंग करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, और ओपन करके बिना ओसीए मशीन, विथआउट ओसीए का हम कैसे इसको फिट करेंगे प्रॉपर, वो आज के वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस मोबाइल को प्रॉपर डिसेंबल कर देना है, जैसे आप लोग डिसेंबल करते हैं, ठीक है। डिसेंबल करके फिर हम आपको बताते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, फोल्डर को रिमूव करने के लिए आपके पास एक टीएम मशीन होना चाहिए, ठीक है, हीटिंग के लिए। अगर टीएम नहीं है तो आपके पास ड्रायर होगा या ओवन मशीन, उसका भी यूज कर सकते हैं, या टीएम मशीन सभी जगह मिलेगा आपको। टीएम मशीन होना चाहिए, उसके बाद स्टील ओपनर होना चाहिए एक दो इस टाइप से, या प्लास्टिक का भी ओपनर होगा तो चलेगा। उसके बाद एक गम रिमूवर लिक्विड आता है, बहुत सारा कंपनी है, मेरे पास ये कंपनी अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी से हम लोग कैसे इस फोल्डर को रिमूव करेंगे फ्रेम से, वो आप बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फ्रेम को, फ्रेम से फोल्डर को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो हम सिम कार्ड जो यहाँ है, सिम इजेक्ट, इसको निकाल दिए, सिम ट्रे को निकालने के बाद ये ओप्पो का जो फ़ोन है, A37 मॉडल, ओप्पो का ये बैक पैनल रिमूव होता है, ठीक है। बैक पैनल को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, प्लास्टिक का ओपनर से भी कर दीजिए या आपके पास नाखून से भी कर सकते हैं सही से, ठीक है। रिमूव हो गया, उसके बाद रिमूव करने के बाद बैटरी को रिमूव करना है तो कर लीजिए, और इसका जो पैनल है, ये पैनल को रिमूव करना होगा, और यहाँ पे, क्योंकि डिस्प्ले का कनेक्टर यहाँ पे होगा और टच का यहाँ पे होगा, ठीक है। टच का कनेक्टर यहाँ पे है, बोर्ड को प्रॉपर डिसेंबल भी कर देना है, ठीक है। ये भी पार्ट हटा देना है, बैटरी निकालने के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। या इससे नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह ओपनर को लगा देना है। लगाने के बाद ये जो गम रिमूवर लिक्विड होता है, ठीक है, इसको दो बूंद डालिएगा, जो भी मेरा गम होता है बैटरी के नीचे चिपका हुआ डबल टेप की तरह, वो पिघल जाएगा, ठीक है, आसानी से। ठीक है, बैटरी को रिमूव करने के बाद इसके ऊपर जो पन्नी लगा हुआ रहता है इसको भी हटा देना है, क्योंकि डिस्प्ले का चिप इसके अंदर है। बोर्ड को भी निकाल लेना है, बोर्ड को आसानी से, thank you।
ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्ले का स्ट्रिप ये हो गया, टच का स्ट्रिप ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको अब हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने के लिए आपके पास टीए मशीन होना है, ये अवेलेबल चाहिए। इसको करने के लिए यहाँ पे पावर का होता है, ये हीटिंग का स्विच होता है, ये नीचे का वैक्यूम होता है, ठीक है। तो आप ऑपरेट करते हैं, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो ये आपका हीटिंग का स्विच होगा, ये आपका वैक्यूम का हो गया, ठीक है। वैक्यूम का यूज अपना डिस्प्ले और टच को कटिंग के लिए किया जाता है। अभी हमको इसको हीटिंग करना है, तो हीटिंग का जो स्विच है उसको ऑन करके रखेंगे। इसको तब तक रखेंगे जब तक मेरा 80 डिग्री हीट ना हो जाए। अभी कितना है, 50 है, ठीक है। 50 से मेरा जब 80 हो जाएगा, 80 पे हो जाएगा 80 डिग्री हीट, तो इसको 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है। 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मेरा बोर्ड प्रॉपर हीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी 48 है, 46 है, इसको अभी 80 तक वेट करेंगे 2 मिनट तक। 80 डिग्री हीट हो चुका है, इसको हम 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि 81 पे ही हम लोग फिक्स किए थे हीटिंग, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा हीट करने से क्या होता है कि डिस्प्ले का जो फिल्म होता है वो जल जाता है, ठीक है। जिसके कारण डिस्प्ले का कलर देखिए डिसकलर हो जाता है। तो कभी भी ज़्यादा हीट नहीं कीजिएगा, 80 पे ही रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा हीट करने से वही फिल्म जल जाएगा, यानी डिसकलर हो जाता है, ठीक है। तो इसको इतना हीट करके इसको निकालेंगे हम लोग, ठीक है। हीट हो चुका है नॉर्मल हम लोग का, काफ़ी ज़्यादा नहीं हीट होगा, 80 पे ही करना है। अगर ज़्यादा करते हैं उस केस में क्या होगा, इसके ऊपर जो टच के नीचे जो फिल्म होता है वो जल जाएगा, डिस्प्ले आपका डिसकलर हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही हीट करना है नॉर्मल। उसके बाद करना है कहीं भी एक कोना पे हम लोग इसका यूज करना, लगा लेना थोड़ा सा, और यहाँ पे जो ये लिक्विड है इसका यूज करना। देख रहे जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप लोग को भी करना है। ये जो ओपनर है कहीं एक कोना पे हमको इसको लगा देना है, ताकि ये लिक्विड डालें तो टच के अंदर चला जाए, ठीक है। थोड़ा सा एक बूंद डालना है बस, उसके बाद ये इसको ऐसे करना, ये बहुत ज़्यादा ही फूट गया है, इसके लिए थोड़ा परेशानी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर आसानी से छोड़ दिया यहाँ पे गम, ठीक है। अब ये जो साइड में है ये, इसको थोड़ा नाखून हल्का हल्का देना है आप लोगों को, ठीक है।
फोल्डर तो निकल गया फ्रेम से, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, फ्रेम से फोल्डर को रिमूव कर लेना है, ठीक है। फोल्डर को रिमूव करने के बाद इसको हम लोग चेक कर लेंगे कि जो फोल्डर हम लोग निकाले हैं प्रॉपर सही है या डैमेज हो गया, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए सेट को ऑन करेंगे। तो चलिए हम इसको अभी चेक करके दिखा देते हैं कि फोल्डर मेरा ओके है या डैमेज हो गया है। तो ये आपका जो फोल्डर हम लोग रिमूव करे हैं सही है, डिस्प्ले सही था, टच फूटा हुआ था, अभी भी डिस्प्ले आपका सही है, प्रॉपर ग्राफिक सही से आ रहा है, यानी डिस्प्ले मेरा ओके है, डैमेज नहीं हुआ है। अब इसको करेंगे क्या हम लोग, अब कटिंग करेंगे, करें ना क्या है, अब इसको डिस्प्ले सही है, अब कटिंग करेंगे। कटिंग क्या करेंगे, तो ये जो टच है, टच और डिस्प्ले को अलग अलग करेंगे, ठीक है। अब उसको कैसे हम लोग अलग अलग करते हैं, चलिए हम बताते हैं कैसे हम इसको ओपन करते हैं। इसका सारा प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं, ठीक है। तो यदि अभी 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 तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।